हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जो कि 2022 का काफी बेस्ट और तगड़ी गेमिंग स्मार्टफोन है, वो भी अंडर 13,000 का। तो इस वीडियो में आप बने रहे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए गाइज, करते हैं यहीं से वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले बता दूं गाइज कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ऐसे गाइज मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गेमिंग के लिए चिपसेट काफी तगड़ी दी हुई है, बल्कि इसमें आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में आपको बैटरी भी अच्छा मिल जाएगा और डिस्प्ले भी आपको फुल HD का मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो टॉप 5 पे जो मैं फोन रखा हूँ, टॉप 5 पे मैं एक फोन रखा हूँ पोको की तरफ से, जो कि है पोको M2 Pro। इसको मैं टॉप 5 पे क्यों रखा हूँ ये भी मैं बताऊंगा गाइस। पहले इसका हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल LTE प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और इसमें आपको कोलिनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ तो इसका डिस्प्ले काफ़ी बेस्ट बन जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको फुल HD का डिस्प्ले है और बड़ी डिस्प्ले भी है दोस्तों। और इसका अगर हम बैटरी की बात कर ले तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी 33W फास्ट चार्जर के साथ। और कैमरा भी इसमें आपको काफ़ी तगड़ी वाली मिल जाएगी अगर आप रील्स वगैरह भी शूट करोगे तो। अच्छी कैमरा है दोस्तों, ऐसे इसमें आपको 48+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा रियर साइड में। और सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन है, काफ़ी अच्छा कैमरा है ऐसे दोस्तों। इसका अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो इस फ़ोन का सबसे मेन चीज़ है, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। इससे आप हाई सेटिंग में गेम वगैरह खेल सकते हो, कोई लैग वगैरह नहीं होगा, तो गेमिंग के मामले में तो ये अच्छा है, बाकी डिस्प्ले भी अच्छा है। तो चलिए इसमें आपको क्या क्या और मिलता है। तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा दोस्तों, और डेडिकेटेड सिम स्लॉट है। और इसका अगर आप 4+64 परचेज करोगे तो 13,999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। ऐसे अगर आप बैंक ऑफर या सेल वगैरह में खरीदोगे तो 13,000 के अंडर की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी दोस्तों। ऐसे टॉप 4 पे जो मैं फ़ोन रखा हूँ वो फ़ोन पोको M2 Pro से काफ़ी मिलती जुलती है। तो टॉप 4 पे रखने का एक ही मकसद है कि उसका प्राइस इससे कम है दोस्तों। तो अगर आपको इतना स्पेसिफिकेशन जो चीज़ इसमें आपको मिली है पोको M2 Pro में, उतना ही चीज़ आपको चाहिए, लेकिन आप कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं, तो टॉप 4 का फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ये है रेडमी नोट 10 लाइट। तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि कोई सा भी फ़ोन हो तो उसमें थोड़ा अगर कौनस है तो थोड़ा प्रो भी होता है, या थोड़ा प्रो है तो थोड़ा कौनस भी होता है। इसमें भी ऐसा ही है, तो इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन अगर 90Hz होता तो काफ़ी बेस्ट रहता है इसे दोस्तों। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, और बैटरी गिफ्ट में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसे चार्ज करने के लिए 18W फास्ट चार्जर इन बॉक्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसका अगर हम कैमरा की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको 48+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर साइड में, और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो बैक कैमरा से आप खोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो 30fps पे, और सेल्फी से भी आप अच्छी तरीके से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा के मामले में तो ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट है ऐसे। और प्रोसेसर भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, गेमिंग प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर है दोस्तों, जो कि 8nm पे बेस्ड है। तो गेमिंग के लिए तो ये फ़ोन भी काफ़ी बेस्ट है। सबसे मेन है दोस्तों इसका प्राइस। तो इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका अगर प्राइस की बात कर लेते हैं, तो आप अगर 4+64 परचेज करोगे तो 12,999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी दोस्तों। तो पोको M2 Pro और रेडमी नोट 10 लाइट में कुछ भी फर्क नहीं है, सारे कुछ सेम ही है दोस्तों, बट है तो प्राइस का फर्क है। 13,999 में मिलता था, ये 12,999 की प्राइस रेंज में मिलता है, तो आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं टॉप 3 नंबर की फ़ोन की बात। और उससे पहले बता दूं दोस्तों, मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट होने वाला है दोस्तों। ऐसे सारे फ़ोन बेस्ट हैं, फिर भी बेस्ट में भी जो बेस्ट है वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और लास्ट में 5G फ़ोन रखा हूँ 13,000 का अंडर का। तो चलिए करते हैं ऐसे टॉप 3 की बात कर लेते हैं। तो मैं रखा हूँ टॉप 3 पर दोस्तों मोटरोला की तरफ से एक फ़ोन, जो कि मोटो G40 फ्यूजन। काफ़ी अच्छी फ़ोन है, इसमें थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलता है, इतना ऐसा नहीं कि छोटा मतलब बहुत छोटा, लेकिन थोड़ा छोटा, जो मैं पोको M2 Pro से थोड़ा छोटा। तो इसमें आपको 6.8 इंच की
फुल एच डी प्लस आईपीएस एलसीडी की डिस्प्ले मिलती है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है दोस्ती, इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और 240 टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका हम बैटरी की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बैटरी नहीं दोस्तों बोले तो इसमें आपको इन्वर्टर देखने को मिलता है जो कि 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी है और 20 वाट फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपको इसे पता ही चल गया होगा कि मैं इसको टॉप 3 पे क्यों रखा हूँ। तो चलिए इसका हम कैमरा की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों और 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और गेमिंग की अगर बात कर ले तो गेमिंग के लिए इसमें आपको काफ़ी अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि स्नैपड्रैगन का है 732 का। 732 का काफ़ी बेस्ट गेमिंग चिपसेट है दोस्तों। तो गेमिंग के मामले में तो ये फ़ोन भी काफ़ी तगड़ी है लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों कि इस फ़ोन में आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और इसका वेट की अगर बात कर ले तो 225 ग्राम इसका वेट है और 9.7 mm थिकनेस है इस फ़ोन का दोस्तों। तो चलिए इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आप अगर 4+64 परचेज करोगे दोस्तों तो 14,500 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। अगर आप बैंक ऑफर या फिर सेल वगैरह में खरीदोगे तो 13,000 से कम की प्राइस रेंज में मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा कैमरा चाहिए और अच्छा आपको गेमिंग प्रोसेसर चाहिए दोस्तों तो ये फ़ोन भी आप देख सकते हो। हालांकि टॉप 4 और 5 भी बेस्ट है लेकिन प्राइस को देखते हुए अगर आप लेना चाहते हो तो टॉप 3 भी ले सकते हो, टॉप 4 भी ले सकते हो। तो चलिए करते हैं टॉप 2 की फ़ोन की बात। उससे पहले बताऊं दोस्तों अभी अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है फ़ोन से रिलेटेड। तो चलिए टॉप 2 पे मैं रखा हूँ दोस्तों रियलमी की तरफ से एक फ़ोन रियलमी नार्जो 34G फ़ोन दोस्तों। तो चलिए इसका हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी इनसेल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। तो बैटरी की बात कर लेते हैं, इसमें आपको बैटरी भी अच्छी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाता है और 30W फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका कैमरा की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा के मामले में भी तो ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, डिस्प्ले के मामले में भी बेस्ट है ऐसे दोस्तों। तो इसका अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक की हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है दोस्तों। तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। तो इसका हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आप अगर 4+64 परचेज करोगे तो 13,500 की प्राइस रेंज में ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अगर सेल में या फिर बैंक ऑफर वगैरह में खरीदोगे तो आपको 13,000 के अंडर में मिल जाएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक है दोस्तों, आप वहां से चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं टॉप 1 की फ़ोन की बात। तो टॉप 1 पे एक 5G फ़ोन रखा हूँ जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, जो कि इसमें आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिलता है और सबसे मेन जो इसमें प्रो है दोस्तों वो है इस ये फ़ोन 5G फ़ोन है और अच्छा चिपसेट के साथ आता है। लेकिन पता ही आपको कि प्रो और कॉन्स एक ही साथ आता है, किसी फ़ोन में थोड़ा प्रो तो किसी में थोड़ा कॉन्स भी होता है। तो ऐसा ही कुछ इसमें है दोस्तों। तो इसमें आपको डिस्प्ले 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की डॉट डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाता है और 18W फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। और चिपसेट इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा दोस्तों, जो कि है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का इसमें आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 7 nm के बेस्ट है। तो चलिए इसका हम कैमरा की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो सेल्फी में भी अच्छा कैमरा है, अच्छी तरीके से फोटो वीडियो वगैरह आप शूट कर सकते हो दोस्तों। इसमें भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरा से। तो चलिए इसका हम प्राइस की बात कर ले। उससे पहले बता दूं कुछ इसका स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आप ड्यूल 5G सिम आप लगा सकते हो दोस्तों, UFS 2.2 का स्टोरेज दिया हुआ है और हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे इसका अगर 4+64 परचेज करोगे तो 11999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा दोस्तों, मैं अपना सजेशन बता देता हूँ दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको सिर्फ गेमिंग के लिए अच्छी तगड़ी स्मार्टफोन चाहिए 5G स्मार्टफोन तो आप टॉप 1 का ले सकते हो दोस्तों। बट अगर सिर्फ आपको गेमिंग को लेकर के ही नहीं बल्कि आपको अच्छी डिस्प्ले और अच्छा
अगर थोड़ा कम की प्राइस रेंज में अच्छा अगर सब कुछ खरीदना चाहते हो तो रेडमी नोट 10 लाइट भी ले सकते हो और पोको M2 प्रो भी ले सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर आपको रील्स वगैरह के भी बनाते हो और गेमिंग वगैरह भी करते हो, फोटो से भी इंटरेस्ट है, तो आप मोटो का G40 फ्यूजन ले सकते हो दोस्तों। ये सारा फ़ोन काफ़ी तगड़ा है दोस्तों, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी दोस्तों। अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कर दो। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।